अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो मैं संडे की क्लास की बना रहा हूँ। संडे को हमारी क्लास मिस हो गई, क्लास मैं नहीं ले सका। बट ये कि मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ संडे की टॉपिक की। टॉपिक हमारा था DHCP, हमें पढ़ना था संडे को। अच्छा, अब सैटरडे को हमने आईपी एड्रेस के ऊपर पूरी क्लास रखी थी, जिसमें हमने आईपी एड्रेस के मुताबिक सारी बातें समझी थी। यहाँ हम आईपी एड्रेसेस को सैटरडे को हमने आईपी एड्रेसेस को अप्लाई किया था, इम्प्लीमेंट किया था और उसको असाइन किया था डिवाइसेस के ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक राउटर से दो नेटवर्क कनेक्ट किए। नेटवर्क ए कनेक्ट है राउटर के इंटरफेस FA0/0 से, नेटवर्क बी कनेक्ट है FA0/1 से। और नेटवर्क ए के लिए नेटवर्क आईडी हमने ली है 15.0.0/8। ठीक है, अब आपको आईपी एड्रेस का पता है तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये क्लास ए की नेटवर्क आईडी है। और क्लास नेटवर्क बी के लिए, नेटवर्क बी के लिए हम क्लास सी की नेटवर्क आईडी ले रहे हैं। नेटवर्क सी, सॉरी, क्लास सी की नेटवर्क आईडी 192.168.30.0 इस नेटवर्क बी को असाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी होगी। हम DHCP पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, DHCP क्या है? देखें, सबसे पहली चीज़ कि अभी हमने जब आईपी एड्रेस असाइन किया था सिस्टम्स को, तो हमने स्टैटिक मेथड यूज़ किया था। स्टैटिक मेथड से मुराद है कि आप स्टैटिक पे क्लिक करके यहाँ आपको जो भी आईपी असाइन करनी है, आप इसको टाइप करके यहाँ पे इसको असाइन कर रहे थे। तो अगर आपको यहाँ पर 5 डिवाइसेस हैं, एक पीसी है, 3 लैपटॉप है, एक सर्वर है, ठीक है, तो आपको हर एक सिस्टम पे मैन्युअली जाना पड़ेगा और इसको एक आईपी असाइन करनी पड़ेगी, सबनेट मास्क देना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा, डीएनएस सर्वर देना पड़ेगा। ये सारा कुछ मैन्युअली आपको असाइन करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास, अब आप ये सोचें कि यहाँ तो अभी 5 हैं हमारे पास डिवाइसेस, ठीक है, तो चलिए इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन 100 भी हो सकते हैं, ठीक है, 150 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा डिवाइसेस को आईपी असाइन करना होगा, उतना ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है और उसको मुश्किलात होगी, टाइम भी कंज्यूम होगा और साथ में उसका वर्कलोड भी बढ़ेगा। सो DHCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करने में हेल्प करती है। DHCP के बारे में थ्योरी थोड़ी सी यहाँ देख लेते हैं। फुल फॉर्म है इसकी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि असाइन करता है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस, ठीक है। और ज़ाहिर है इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ओवरहेड कम होता है, मैन्युअली आपको हर एक डिवाइस पर आईपी एड्रेस असाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने DHCP चला दिया तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे इस राउटर से या इस स्विच से, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे इस राउटर से, वो फिर इनडायरेक्टली कनेक्ट होंगे। तो आपने सिर्फ इस राउटर को DHCP सर्वर बना देना है, और DHCP सर्वर ये राउटर बन जाएगा, और ये सारे यहाँ पर जितने डिवाइसेस हैं ये सारे DHCP क्लाइंट बन जाएंगे। तो DHCP सर्वर इन सब को, अपने क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देगा जो भी इससे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपने सिर्फ DHCP पे क्लिक करना है और ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि इसको एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाए। अच्छा, अब चूँकि अभी हमारा राउटर DHCP सर्वर नहीं है, ठीक है, इस राउटर पे मैंने इवन कि अभी तक आईपी भी असाइन नहीं की, तो इस वजह से ये कह रहा है कि DHCP फेल्ड है, यानी कि कोई DHCP सर्वर नहीं है, तो ये कहाँ से आईपी असाइन आईपी देगा। और इस केस में एक ये वाली आईपी मिल जाती है 169.254, इसके बारे में मैं आपको क्लास में डिटेल में बताऊंगा।
लेकिन अभी आप इतना याद रखेंगे DHCP फील्ड इस IP से आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक है। ये जस्ट विद इन अ नेटवर्क काम कर सकता है, लेकिन नेटवर्क से बाहर अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए फिर आपको वैलिड IP चाहिए। सो DHCP एक्चुअली DHCP सर्वर IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, DHCP सर्वर के पास पूल होंगे और DHCP क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा IP एड्रेस के लिए सर्वर से, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, DHCP सर्वर एंड DHCP क्लाइंट। और DHCP एक प्रोसेस को इस्तेमाल करता है इसके लिए, जिसको डोरा प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डोरा प्रोसेस क्या होता है। सर डोरा फुल फॉर्म इसकी है, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। सो डिस्कवर, सबसे पहले क्लाइंट जो है वो DHCP सर्वर को डिस्कवर करता है, ठीक है। जैसे आप DHCP पे यहाँ पर आप चेक लगाएंगे, सो ये डिस्कवर करने की कोशिश करेगा कि मेरे पास मेरे नेट में क्या, मैं अपने नेटवर्क में किसी DHCP सर्वर से बात कर सकता हूँ, ठीक है। सो वो डिस्कवर करेगा। सो अगर कोई DHCP सर्वर होगा तो रिप्लाई, अब इस केस में DHCP सर्वर है नहीं तो इस वजह से फेल्ड हो रहा है। अगर मैं इस राउटर को DHCP सर्वर बना दूंगा तो फिर ये रिप्लाई करेगा, और ये रिप्लाई करेगा तो ऑफ़र करेगा, मींस सेकंड स्टेप सेकंड प्रोसेस होगा इसका ऑफ़र। सो ये ऑफ़र करेगा, कहेगा मैं DHCP सर्वर हूँ और मैं मेरे पास IP एड्रेसेस स्टोर हैं, मेरे पास पूल बना हुआ है और मैं आपको उस पूल में से एक IP एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, मैं दे सकता हूँ। तो क्लाइंट फिर रिक्वेस्ट करेगा कि अगर आप DHCP सर्वर हो तो मुझे IP एड्रेस प्रोवाइड कर दो, एंड देन जो सर्वर है वो एक्नॉलेज करेगा कि भाई ये मैंने आपको IP एड्रेस असाइन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये चार स्टेप में प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा सा प्रोसेस है, ठीक है। सो अब DHCP सर्वर जो है वो आपको DHCP सर्वर किसी भी मशीन को आप बना सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपका कोई राउटर ही DHCP सर्वर होता है, ठीक है। कोई सर्वर भी हो सकता है, वो कोई मशीन हो सकती है, विंडोज़ मशीन हो सकती है, ठीक है, और कोई फिज़िकल मशीन भी हो सकती है, कोई वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, ठीक है। आप यानी वर्चुअल मशीन पे भी DHCP सर्वर बना के अपने नेटवर्क पे IP असाइन करवा सकते हो। कोई और भी मशीन हो सकती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और स्विच भी हो सकता है, सिस्को का स्विच भी हो सकता है, लेकिन मैनेजेबल स्विच, ठीक है, मतलब ऐसे सारे स्विचेस जो मैनेजेबल होते हैं, जिस पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो बन सकता है DHCP सर्वर। राउटर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है CCNA में वो है कि भाई हम सिस्को के राउटर को DHCP सर्वर कैसे बनाते, ठीक है। अगर आप CCNA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या CCNA का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये यहाँ पर ये सीखना है कि आप सिस्को राउटर को DHCP सर्वर कैसे बना सकते हैं। तो DHCP सर्वर के मुतालिक या DHCP के मुतालिक अगर आपको कोई थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं। जब आप ये वीडियो देख लें, आपको कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप में सेंड कर लें, ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन कर लें, या फिर नेक्स्ट जब सैटरडे को हमारी क्लास होगी फिज़िकली जब हम प्रेजेंट होंगे तो उस वक्त भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तरीका है इसकी कॉन्फ़िगरेशन का, मैंने यहाँ पे कमांड्स लिखी हैं तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप एक कमांड समझाता हूँ कि आप किस तरह से DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्को राउटर पे और फिर आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो लैब पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं राउटर के इंटरफेस FS00 पे 15.0.0.1 की IP दूंगा और FS0/1 पे 192.168.30.1 की IP दूंगा, ठीक है, फॉर नेटवर्क ए एंड फॉर नेटवर्क बी। सो सबसे पहले IP असाइन कर देते हैं। एंड आई होप कि अब आपको IP असाइन करने में कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार IP असाइन कर रहे हैं क्लास के अंदर भी। सो IP एड्रेस 15.0.0.1.255.0.0.0 बिकॉज क्लास ए का है। ओके,
सो इंटरफेस एफ ए ज़ीरो ज़ीरो पर ही आई पी हमने असाइन कर। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरफेस एफ ए ज़ीरो स्लैश वन पे, और वहाँ जो आई पी असाइन करनी है हमें वो है 192.168.30.1 एंड क्लास सी है तो उसका सबनेट मास्क है 255.255.0 एंड नो शट डाउन। डन, ठीक है। सो आप देखें कि हमारा इंटरफेस अप हो चुका है, ठीक है। अब इन सारे सिस्टम्स को हमें आईपी असाइन करनी है, इन सारे सिस्टम्स को आईपी असाइन करनी है। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं इनको आईपी असाइन करने का एक तो तरीक़ाकार ये है कि मैं सिंपली इस पे जाऊं और स्टैटिक पे क्लिक करके आईपी असाइन कर दूँ, ठीक है। बट आज की लैब का मकसद क्या है कि हम इसको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करवाएँ विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी। सो आपको इसको डीएचसीपी सर्वर बनाना है, ठीक है। अभी आप बिल्कुल एक चीज़ नोट कर लें कि ये डीएचसीपी फेल्ड हो रहा है, ठीक है। जब आप इस पर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर देंगे देन ये फिर डीएचसीपी से आईपी ले लेगा आसानी के साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमें एक पूल बनाना होता है, ठीक है। सो आप एक कमांड लिखेंगे आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम लेट्स से हमने रखा एबीसी, आईपी डीएचसीपी पूल एबीसी, एंटर। अच्छा अब इस पूल में आपने वो नेटवर्क आईडी स्टोर करानी है जिस नेटवर्क आईडी से आप आईपी अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं। जैसे मैंने 50.0.0.0 का नेटवर्क रखना है नेटवर्क ए के लिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा नेटवर्क 50.0.0.0 और क्लास ए का सबनेट मास्क, ठीक है। तो मैंने पूल को बता दिया, मैंने एबीसी पूल को बताया कि आपको कोई भी रिक्वेस्ट करे आपसे आईपी के लिए तो आपने 50.0.0.0 के नेटवर्क से एक आईपी असाइन करनी है। अच्छा फिर सिर्फ आईपी तो नहीं चाहिए, हर एक क्लाइंट को डिफ़ॉल्ट गेटवे भी चाहिए, तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट गेटवे भी यहाँ स्टोर करवाएंगे। बट यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होता, डिफ़ॉल्ट राउटर का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउटर, सो डिफ़ॉल्ट राउटर 50.0.0.1 ये है डिफ़ॉल्ट गेट, यानी जो भी क्लाइंट आईपी लेता है आईपी के साथ उसे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा अभी एक मैसेज आ गया डीएचसीपी का, क्योंकि किसी पर डीएचसीपी क्लिक होगा तो उसने वो आईपी दिए। बहरहाल आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे, अच्छा फिर इसके साथ साथ अभी हमने डीएनएस पे कोई बात नहीं की, बट आप सबको इतना तो पता ही होगा कि डीएनएस सर्वर बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, ठीक है। अपने नेटवर्क से बाहर इंटरनेट अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए डीएनएस के बगैर नेट चल नहीं सकता। सो डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस सर्वर 8.8.8.8 ये एक फ्री पब्लिक गूगल का डीएनएस सर्वर है, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। एंड देन डन। सो इस तरह से सिंपली इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने परफॉर्म कर दी। अब आप यहाँ पर डीएचसीपी पे क्लिक करें तो देखिए आपको आईपी दे रहा है 50.0.0.4। अच्छा इसने डिफ़ॉल्ट गेटवे भी दिया 50.0.0.1, ठीक है। यहाँ पे भी आईपी मिल गई, ओके। सो अब यहाँ पर जो दूसरा नेटवर्क है, नेटवर्क ए को तो आईपी मिल गई, बट यहाँ पे जो दूसरा नेटवर्क है नेटवर्क बी, इसको कैसे आईपी मिलेगी? इसको तो हमने, क्योंकि इसका हमारा नेटवर्क आईडी चेंज है, ठीक है। सो इसके लिए अगर आप अभी डीएचसीपी पे क्लिक करोगे तो इसके लिए अभी भी फेल्ड बताएगा,
ये हमारा एक दूसरा नेटवर्क है जो कि राउटर के इंटरफेस FA0/1 से कनेक्ट है। सो यहाँ पर आपको एक और पूल बनाना होगा, ठीक है? तो आप एक राउटर पे एक से ज़्यादा पूल बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक और पूल बनाएंगे हम फॉर नेटवर्क बी के लिए, IPDSP पूल, इसका नाम मैं रख देता हूँ XYZ। और अगेन इसी तरह से आप यहाँ पर नेटवर्क और स्टोर करा रहे हैं 192.168.30.0 एंड दिस इज़ क्लास सी, सो 255.255.255.0। और इसके लिए जो आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे रखा है वो है 192.168.30.1 एंड DNS सर्वर इज़ सिमिलर 8.8.8.8। ठीक है, सो अब आप देखें इसमें भी इजीली 30.4 इसको IP मिल गई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपने अब कुछ एड्रेसेस, कभी कभार ऐसा होता है कि आप उसको ना स्टैटिक असाइन करना चाहते हैं, वो आपकी किसी ख़ास सर्वर का हो सकता है, ठीक है? क्या भाई आप ये चाहते हैं कि इनको IPs तो मिले बट ये पर्टिकुलर IP एड्रेस जो है ना वो किसी भी सिस्टम को ना मिल पाए। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं अभी मैंने IP असाइन करवाया तो इनको IPs कहाँ से मिली, 15.0.0.4, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ ये 15.0.0.4 या IP किसी को ना मिले, ठीक है? इसको रिजर्व रखना आपने, तो ये कहलाता है एक्सक्लूडेड एड्रेस। कुछ एड्रेसेस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली एक कमांड यहाँ लिखनी है, IPDHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 15.0.0. अब मैंने कहा कि भाई 1 से लेके 15.0.0.10 तक, ये सारी रेंज मैंने 1 से लेके 10 तक बता दिया कि आप ये IPs डिज़र्व हैं और ये IPs असाइन नहीं करनी, ठीक है? सो आपने ये IP असाइन नहीं करनी किसी भी सिस्टम को, ठीक है? तो आपने ये करना है, सिर्फ ये इतना करना है कि ये कमांड लिखनी है। एंड देन अगर आप चेक करें अब, सो स्टैटिक DHCP, ओके, तो अब आप चेक करें, अब आप देखें 15.0.0.11 से आपको IP मिल रही है, ठीक है? तो 10 तक की IP अब वो असाइन नहीं करेगा, ठीक है? बट इसके लिए पहले इसको चेक हटाना पड़ेगा, फिर चेक लगाना पड़ेगा 15.0.0.12। तो ये सिंपल सी चीज़ थी एक, और बेसिक चीज़ें। अब आप, क्योंकि मैंने ये आपको इसलिए मैंने अभी पढ़ा दिया है स्टार्ट में, ताकि अब आप जब भी लैब बनाएं तो आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? और हम क्लास में भी जब लैब बनाएंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, DHCP चला देंगे। और जब अब, क्योंकि अब लैब्स जो है ना वो बड़ी बनेंगी, अभी तो हम एक राउटर पे काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या दो राउटर भी नहीं लगाए अभी तक हमने, एक ही राउटर लगाया है। सो अब आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो राउटिंग के ऊपर आएंगे, VLANs के ऊपर आएंगे, तो उसके अंदर हमारे पास स्विचेस भी ज़्यादा होंगी, राउटर्स भी ज़्यादा होंगे, तो लैब बड़ी बनेगी। सो वहाँ पर टाइम हम सेव करेंगे अपना DHCP चला के। ओके, डन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको ये वर्ड फाइल भी सेंड कर दूंगा, इसमें थ्योरी भी लिखी हुई है और इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें आराम से, और इसी तरह की लैब आप बनाएं खुद और प्रैक्टिस करें, ठीक है? असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि, मैंने असाइनमेंट बनाया था लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट में थोड़ा टास्क ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए हम थोड़े टॉपिक्स और कवर करके ना फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वरना अभी असाइनमेंट में अगर आपको दूंगा उसमें कम टास्क हैं, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से ज़्यादा हम चीज़ें पढ़ लें, तो उसमें से वो फिर एक साथ जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आपको करने को मिल जाए, ठीक है? तो इसलिए मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। तो आप अभी इसकी, ये जैसे मैंने लैब बनाई है उसी तरह से आप लैब बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, ख़ासतौर पे जो बिगिनर्स स्टूडेंट हैं, जो
जो कहीं नेटवर्किंग के अंदर काम वगैरह भी नहीं कर रहे या वो बिल्कुल उनका स्टार्टअप है, तो वो प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को इंशाल्लाह हम प्रेजेंट होंगे फिज़िकली, तो फिर आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।